So, how are you? I'm very good. How are you? Yeah, I'm also good. Very heartfelt welcome on Sene Speaks. Thank you. So, कैसी रही आपकी सोशल डिस्टेंसिंग वाली होली? ओहो, इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे. सो आई इतना मुझे होली खेलना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे देखने में बहुत मजा आता है एंड मुझे ड्राई होली बहुत मजा आता है. तो वो पिछले साल भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं सैड थी. ऊपर से ओके देख रही थी, कोई नहीं खेल रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते, तो मैंने वीडियो बना लिया. अच्छा, ओके फाइन फाइन फाइन। सो फिल्म रिलीज हो चुकी है, कैसा आ रहे हैं रिव्यूज, कितने कॉल्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कॉल्स तो काफी भर भर के आ रहे हैं. वेरी एक्साइटेड बिकॉज पीपल आर सीइंग मी इन एन ऑल न्यू अवतार व्हिच इज हाँ एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज डेड. तो अबाउट टू से। नो, एक्चुअली इट वाज वेरी एक्साइटिंग शूटिंग द फिल्म एंड फिल्म का पोस्टर भी बहुत अच्छा था. तो वो पोस्टर को ही देख के काफी सारे लोगों ने मेरे को कॉल किया एंड यू नो दे वर लाइक वाओ. एंड इवन पर्सनली आई थिंक इट वाज ग्रेट बिकॉज शेयरिंग दैट स्पेस विद सच अमेजिंग एक्टर्स वाज वेरी गुड. और इन टर्म्स ऑफ फिल्म देख के कैसा लगा, मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. क्योंकि एक चीज होती है अपनी फिल्म को पसंद करना, है ना, और एक एग्जैक्टली चीज होती है एक रेगुलर फिल्म को पसंद करना. मुझे साइलेंस एक रेगुलर फिल्म के तौर पे पसंद आई थी. लाइक इवन इफ आई वाजंट इन इट, मैं फिर भी वो देखती हूँ, मेरे को फिर भी पसंद आती है. सो दैट आई मी वेरी हैप्पी. रिव्यूज भी काफी सारे अच्छे आए. आई रिमेम्बर रीडिंग दिस वन रिव्यू, बहुत फनी है. लाइक सारे रिव्यूज में से मेरे को ये बहुत फनी लगा, बिकॉज ध्यान नहीं आ रही कौन सा था, बट उसमें ऐसा कुछ लिखा था कि इवन दो बरखा सिंह वॉज डेड फॉर अ लॉट ऑफ अ पार्ट, द हाँ, पार्ट्स वेयर शी वॉज अलाइव शी सिंगल हैंडेडली ब्रॉट स्पार्क टू द फिल्म. तो ओह लाइक वाओ, ऑफ दिस बहुत अच्छा लगा. हाँ कोर्स ऑफ कोर्स, टू गुड टू गुड। सो ये फिल्म के लिए आपने, आपका जो कैरेक्टर था, आपका जो किरदार था, उसके लिए आपने राइट. कैसी तैयारी करी, क्या प्री प्रोडक्शन था इसके लिए आपका, किस तरह से किया आपने शुरुआत ऑनेस्टली बहुत सारी स्ट्रेचेस करी टू बी ऑनेस्ट, से? स्पेशली जहाँ मैं ऐसे वेरी फनी स्टोरी बिहाइंड इट, पता है. तो वो मतलब फिल्म्स का शूटिंग सिंस यू नो काफी लंबे टाइम तक चलता है, तो जब हम पहले दिन गए थे वहां, तो मैंने बोला कि यू नो ऐसी ऐसी है बॉडी, सो शी शुड बी लाइंग डाउन ऐसे. तो एट दैट टाइम आई रिमेम्बर द इंटायर डायरेक्शन टीम एंड एवरीवन टेलिंग मी कि सुनो तुम पैर तो उल्टा कर रही हो, इसकी लंबी कंटिन्यूटी है, विल यू बी एबल टू डू इट. और मैंने उस टाइम जोश जोश में बोल दिया कि हाँ आई कैन डू इट, सीन अच्छा आना चाहिए बस ये वो, और मैंने कर अच्छा दिया. और मेरा पैर ऐसे उल्टा है बहुत टाइम तक, ठीक है. एंड आई वाज जस्ट ओहो लाइक, और फिर लाइक काफी घंटे निकल रहे हैं. पहले दिन शूट की हो गई, दूसरे दिन शूट में भी वैसे ही आना था. लाइक मैंने क्यों किया ये, मैंने क्यों किया ऐसा उल्टा, बट इट लुक्स गुड इन द फिल्म. तो दैट वाज नाइस. बट हाँ, एक्चुअली मेरे को बहुत मजा आया शूट करते समय. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ प्रेप, वेरी ऑनेस्टली द कैरेक्टर जो मैंने पूजा चौधरी का किरदार निभाया है, वो बहुत गर्ल नेक्स्ट डोर, बहुत सिंपल कैरेक्टर है, बहुत स्वीट लवेबल कैरेक्टर है. तो जब मेरे को ब्रीफ दे रही थी आबान मैम अबाउट दिस फिल्म, शी ओनली टोल्ड मी वन वर्ड, शी वाज लाइक ऑडियंस को बुरा लगना चाहिए कि ये लड़की मरी, ऑडियंस को लगना चाहिए कि या आई वॉन्ट टू नो क्या हुआ. तो बस दैट वॉज माई ब्रीफ. तो एज सच उतनी ज्यादा प्रेप नहीं हुई जितना जनरली फॉर यू नो अनदर कैरेक्टर विच इज थोड़ा अलग या में जाता है, या थोड़ा अलग स्किल्स याद होती हैं उसको. उसने नहीं है बट याद है, वन वर्ड वॉज की इट शुड बी नाइस चार्मिंग प्योर एंड लवेबल. सो इट शुड बी लाइक बरखा। मैं बोलने नहीं वाली थी, आपने बोला तो अच्छा हुआ ना मैंने बोल दिया, बहुत अच्छा अच्छा हुआ वाह. मैंने कब बोल दिया। एग्जैक्टली बोलोगे, कब बोलोगे, आई एम जोकिंग. और वो सीन जो आपने बताया कि आपको ऐसे पैर उल्टे रखने थे एंड ऑल दैट, तो उसमें वो रीटेक्स वगैरह भी काउंट होते होंगे, तो काफी ही हालत खराब हो गई होगी सीन शूट करते समय। ऊपर से और धूप आ रही थी धूप पे, बिकॉज हम लोग आउटडोर लोकेशन पे शूट कर रहे थे. तो ऐसे लेटे हैं, फिर 12 बज गए तो सीधा मुंह पे धूप आ रही है. अरे वाह, तो
एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट, पता है मैं सोचती थी कि मरने की एक्टिंग करना इज वेरी इजी, कि जस्ट जाके इट्स रियली नॉट इजी, इट्स रियली नॉट इजी, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आई हैव एवर डन. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. सो बेसिकली ये फिल्म जब आप बना रहे थे तो जी क्या शुरू से ही इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने का था या फिर ये सिनेमा में रिलीज होने वाली थी? Ah, that's a question, Isha. So these studios had always produced it and they were looking at a theatrical release, but then I think time hamara aisa hai that it just makes more sense to do OTT releases if you want your product to reach outside. Because humko pata hai ki aaj aisi baat hai, kal bilkul hi band ho jaye, bilkul hi lockdown ho jaye, so phir ab. So yeah, these studios always made it, but then Z5 premium got it. Okay, very nice. एक क्वेश्चन मेरा है, मैं बहुत क्यूरियस भी हूँ उसके लिए कि मनोज बाजपेयी जी के साथ काम करके कैसा लगा, कैसा क्या थी वो फीलिंग? अरे बहुत मजा आया, cuz I've seen him since I was a little child, मतलब I've seen his films and all कब से, and मैंने फैमिली मैन देखा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनका शो, so I was very excited जब मुझे बताया गया that I'm selected for this film. I was like, what, मनोज बाजपेयी is going to investigate my murder? बढ़िया है. Oh, but in fact he's very sweet as a person also, because there was one scene which I don't think made it to the final cut of the film, but ये सब था, एंड उसमें एक टेक के बाद दो टेक के बाद उनकी हंसी छूट गई. आई वाज लाइक, आप क्यों हंस रहे हो सर? तो ही इज लाइक, विच डेड बॉडी मूव्स हर आईबॉल्स? So I was like, sir, मैं कैसे करूँ? तो in fact, like the reason I'm telling you the story is to tell you how sweet he is. कि he actually scene के बीच में सब कुछ 5 मिनट रुका के he took out that time और उन्होंने मेरे को tips दिए कि you know जब ऐसे करते हैं तो generally when you're dead you when you close your eyes आपकी आँख ऊपर जाती है. He said don't do that क्योंकि उससे eyes में बहुत strain पड़ता है. आप सो नहीं रहे हो, you're awake. So look down. आप ऊपर मत देखो. So he's very small but very helpful and useful tips he gave me in whatever little time we shot together. So I think that was very, very sweet of him. And screening meeting mein also we had a great time. So it was just a very exciting experience ki you know, I'm going to do a film with Manoj Bajpayee. I'm going to share a poster with Manoj Bajpayee. Like it's a child. Wow, very nice. आप मतलब आपका जो करियर कह सकते हैं आपका स्टार्ट हुआ था लाइक 10 इयर्स के जब आप थे, आपकी एड्स वगैरह आती थी, सो तब से अब तक कितना कुछ बदला, कितना कुछ आपने सीखा? और तब भी मेरा एक ये सवाल है कि आपने किस तरह से इंडस्ट्री में एंट्री ली, किस तरह से आपने स्टार्ट लिया, कैसे नेटवर्किंग की, कैसे कनेक्शंस बनाई, ये सारी चीजें मुझे जाननी है. ओके, सो शुरू से शुरू करते हैं. तो जब मैं बचपन में करती थी, एक्चुअली इट वॉज जस्ट अ हॉबी, मतलब मैं ऐसा कुछ प्रोफेशनली नहीं करती थी, ना मैंने सोचा था कि मैं बड़ी होके कॉलेज के बाद पढ़ाई खत्म करने के बाद एक्चुअली एक्टर बनूंगी, ये सब मैंने कुछ नहीं सोचा था. शुरू कैसे हुआ, मेरी मॉम, मैं बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत फनी स्टोरी है, पर मेरी मॉम की एक फ्रेंड थी, उनका बेटा था, तो वो काफी सारे एड्स करता था उस टाइम. तो एक बार संडे था, छुट्टी थी, तो मैं भी चली गई साथ में. तो वो ना एक ओडोपिक करके एक बर्तन घिसने का साबुन होता है उसका ऑडिशन, और उसमें मेरी एक ही लाइन थी ऑडिशन में, मुझे बोलना था इतने गंदे बर्तन, और मैंने बोला इतने गंदन बर्तन, और वो ऑडिशन वाले को बोला कोई बात नहीं फिर से बोलो इतने गंदन बर्तन, और वो मैंने 13 बार बोला, 13 बार मुझे बोला इतने गंदे बर्तन, मैं बहुत छोटी थी, मुझे बोला ही नहीं गया. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है आप घर जाओ. पता चला कट टू 3 दिन बाद मेरे को कॉल आता था, आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट एड. तो मेरी मॉम, जब हम शूट के लिए गए, मेरे मॉम ने बोला कैसे, उससे डायलॉग भी नहीं बोला गया. तो उन्होंने बोला उसके एक्सप्रेशन अच्छे थे, उसकी आईज एक्सप्रेसिव थी, डायलॉग बुलवाना तो डायरेक्टर का काम है. तो दैट हाउ इट स्टार्टेड, एंड देन वन एड लेड टू अनदर एड, टू अनदर एड, टू अनदर एड. फिर मैंने कुछ कुछ ऐसी बचपन में फिल्म्स भी की थी, मुझसे दोस्ती करोगे ना, बट ऑल एज अ हॉबी, मैंने कभी ऐसे प्रोफेशनली नहीं सोचा. बट देन आफ्टर कॉलेज आई गॉट अ शो, टेलीविजन शो एक्चुअली, तो वो मैंने किया, आई वाज लाइक दिस इज इंटरेस्टिंग, एंड देन मैं वेब स्पेस में एंटर हुई.
एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू वेब एक्चुअली. मेरे को बहुत आई रिलेट अ लॉट टू वेब कॉन्टेंट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है दैट देयर इज समथिंग फॉर एवरी वन यू नो एंड सब रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इतने सारे शोज इतनी सारी फिल्म होती हैं और डिजिटल स्पेस में एंड जिसको जो पसंद है सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल होते हैं एंड दैट्स व्हाई दैट्स व्हाट आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल विद कि मैं सिर्फ इतने ऑडियंस को क्यों रीच कर रही हूँ जब मैं इतने सारे ऑडियंस को रीच कर सकती हूँ. तो दैट वॉज वेन आई डिसाइडेड कि मैं वेब स्पेस में शिफ्ट करूंगी और तब से लेके यहाँ तक जो है वो है. And of course, YouTube पे actually इतना wide content रहता है, इतने सारे लोग रहते हैं, so I think उससे काफी exposure मिला होगा क्योंकि इतने सारे लोग आप लोग आपको देख पा रहे हैं because of YouTube. TV Girls on Top, तो उसमें it was a MTV का show, youth show था, because of which मेरी social media following बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, Instagram में followers वगैरह काफी ज़्यादा बढ़ तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक अच्छा ये भी होता है सोशल मीडिया भी बढ़ा देता है ओ तो फिर मैंने सोशल मीडिया भी बढ़ाया. मैं काफी सारा ट्रैवल कंटेंट वगैरह डिजिटल कंटेंट अपने रैंडम फनी वीडियोस बनाने लग गई एंड समवेयर डाउन द लाइन आई फील बोथ हेल्प ईच अदर. आपकी लाइक मेरी एक्टिंग हेल्प मी क्रिएट माई कॉन्टेंट एंड माई कॉन्टेंट एक्चुअली गॉट मी वर्क. तो ऐसे भी हुआ है. So, आपने टेलीविजन में भी काम किया है एंड नाउ यू हैव वर्क्ड इन अ फिल्म. सो क्या डिफरेंस दोनों चीजों में लगा आपको, क्या दिखाई दिया, क्या आपने महसूस किया? बहुत आराम से काम होता है फिल्म में लाइक टेलीविजन में नहीं होता है. नहीं क्योंकि टेलीविजन होता है तो उनको एवरी डे आफ्टर अ पॉइंट एपिसोड्स निकालने पड़ते तो आराम का तो ऑप्शन ही नहीं है. बट फिल्म इज समथिंग जहां वो एक यू नो दे आर प्रिपेयरिंग इट फॉर बिग स्क्रीन, दे आर प्रिपेयरिंग इट फॉर सो मेनी ऑडियंस, इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, सो दे फोकस मोर ऑन कि एवरीथिंग हर एक डिटेल्ड एस्पेक्ट में वो जाते हैं. सो ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिफरेंस था इन टर्म्स ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ कॉन्टेंट एंड यू नो नॉट सेइंग कि ये बेटर है या वो बेटर है बट इट्स जस्ट अलग है. लाइक ऑडियंस अलग है, कॉन्टेंट अलग है, उनकी शूट करने का तरीका अलग है. लाइक काफी काफी डिफरेंस है. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि आगे आपको हम और कहाँ कहाँ देखने वाले हैं और किस तरह से आप एंटरटेन करने वाले हैं, एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यू आर लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू? यस, इनफैक्ट एक आने वाला है वेरी सून. I don't know if you can give me some time. Maybe अगर हम कल परसों भी बात करें तो I'll tell you more about it. वो एक project which I am very excited about. Maybe little more than silence I'm excited about it. वो आने वाला है अप्रैल में. तो मैं बस अभी चैनल से वेट कर रही हूँ. वो भी एक OTT प्लेटफॉर्म पे है. तो जैसे ही मेरे को ग्रीन सिग्नल मिले कि हाँ वर्खा यू कैन टॉक अबाउट इट, मैं आपको तुरंत फोन करके बताऊंगी कि अच्छा ये भी है. बिल्कुल बिल्कुल जरूर. हाँ, समथिंग इज गोइंग टू कम वेरी सून व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. अप्रैल में मोस्टली आपको देखने मिलेगा एंड आई थिंक एनीवन हु हैज बीन फॉलोइंग माय वर्क सिंस अ व्हाइल और एनीवन हु नोस उन्होंने मेरे को उस अवतार में देख के उनको भी बहुत मजा आने वाला है. अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है. खुद भी हो रही है कि मैं बताऊं बट मैं बता नहीं सकती अभी. ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज. सो बर्खा मैम, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, इट वाज रियली नाइस एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फिल्म एंड ऑल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू आर गोइंग टू वर्क ऑन एंड स्पेशली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. आई नो, फिंगर्स क्रॉस्ड. या श्योर. Thank you so much, Barkha. Bye-bye. Take care. All right. Bye. Thank you.